माता पिता घर पर बच्चों की पढ़ाई में कैसे करें मदद, केंद्र ने जारी किया है दिशा निर्देश। इसको समझते हैं क्योंकि हर बच्चों के लिए उपयोगी है, माता पिता के लिए भी जो दिशा निर्देश बताए गए हैं वो भी उपयोगी है। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हैं, ऐसे में बच्चों की घर में पढ़ाई को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश माता पिता और बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए है। इसमें बताया गया है कि पढ़ाई में किस प्रकार बच्चों की मदद करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महामारी के इस न्यू नॉर्मल में माता पिता की भूमिका बच्चों के विकास और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें क्यों, क्या और कैसे के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने लिखा है कि घर पहला विद्यालय है, माता पिता पहले शिक्षक हैं। ये दिशा निर्देश केवल माता पिता के लिए नहीं है, देखभाल करने वाले परिवार के अन्य सदस्यों, दादा दादी, बड़े भाई बहनों के लिए भी है। दिशा निर्देश में माता पिता से कहा गया कि वे बच्चों की अपेक्षाओं, स्वास्थ्य और पोषक आहार तथा मौज मस्ती पर ध्यान दें। विद्यालयों से अपेक्षा की गई है कि वे छात्रों को होमवर्क और अन्य गतिविधियों, निर्णय और योजना बनाने में सहायता देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा के अलग अलग चरणों के अनुरूप हैं। बच्चों की उम्र के हिसाब से कला गतिविधियों को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर बांटा गया है। इसमें बुनियादी चरण उम्र 3 से 8 वर्ष, प्राथमिक चरण 8 से 10 वर्ष, माध्यमिक चरण और 11 से 14 वर्ष, द्वितीय चरण किशोरावस्था वयस्क तक जो है उम्र 14 से 18 को ध्यान में रखा गया है। मतलब माता पिता की भूमिका बढ़ गई है और जो केंद्र ने दिशा निर्देश दिया है उसमें ये भी कहा है कि बच्चे जो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार वो घरों में हैं, घर में बंद हैं और खेलना है या अन्य एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे समय बच्चों को समझें और उसके अनुरूप जो है स्कूलों को भी कहा गया है कि बच्चों को वैसा होमवर्क दें जिससे वो परेशान ना हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जो कहीं नहीं वो यहाँ है, जो सही है वो यहाँ है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है, एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है, राजनीति, खेल, फिल्म, उद्योग, विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है, यहाँ है lalluram.com, सच कहेंगे लल्लूराम। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।